नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें मंत्रियों को नसीहत दी गई है। साथ ही मंत्रियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें ये बता दिया गया है कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या और कैसे करना है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम की मंत्रियों को नसीहत, 8 पॉइंट में दी हिदायत, कार्यकर्ताओं को दे तरजीह, मंत्रियों की तय हुई जवाबदेही। चुनाव नजदीक आते ही मंत्रियों को हिदायत मिलने लगी है। सीएम शिवराज ने बैठक कर मंत्रियों को 8 पॉइंट पर नसीहत दी है, यानी पार्टी ने अब मंत्रियों की जवाबदेही भी तय कर दी है। बीजेपी संगठन की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि संगठन के कामों को प्राथमिकता दे, किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करें। जो मंत्री संगठन के कामों में गंभीरता नहीं दिखाएंगे, आगे खुद जिम्मेदार होंगे। अब पार्टी की तरफ से तय हुई जवाबदेही पर मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। बैठक में सभी जिलों की प्रभारी मंत्रियों से जानकारी ली गई है कि जो उनके दौरे हैं, कोर समितियों की बैठक है, विकास कार्यों की समीक्षा है, इन सब विषयों की जानकारी माननीय मंत्रीगणों से ली गई है। दिशा निर्देश मिले हैं, उनका हम लोग पालन करते ही हम करेंगे। किस तरह के दिशा निर्देश मिले? कोई खास जो होते हैं पार्टी के, जिलों में जाना, मेहनत करना, काम करना, हम लोग कर ही रहे हैं। जिन 8 बिंदुओं पर मंत्रियों को नसीहत दी गई है, अब उनको जान लीजिए। मंत्रियों से कहा गया है कि वो हर महीने कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहें, प्रभार के जिलों में एक रात जरूर गुजारें, जिले के कार्यकर्ताओं के साथ कभी कभी भोजन करते रहें, जिले में प्रवास के दौरान जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों से चर्चा करें, जिले के कुछ कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर अलर्ट पर रखें, जिले में होने वाली सरकारी नियुक्तियां जल्द से जल्द पूरी करें, किसी भी सामाजिक संगठन के किसी कार्यक्रम में सहमति देने से पहले जिला अध्यक्ष से चर्चा जरूर कर लें, संगठन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता से पूरा करें। हालांकि मंत्रियों को मिली नसीहत पर कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है। शिव प्रकाश जी ने कल अपने संबोधन में अब कार्यकर्ताओं की सुध ली है। 16 सालों तक जो पार्टी सत्ता में रहकर विभिन्न किस्म के माफियाओं की गोद में खेलती रही, उसे अब कार्यकर्ताओं की सुध आई है। और भारतीय जनता का, पार्टी का कार्यकर्ता भी अब इनकी क्यों सुनेगा? दूसरी पार्टी से आए हुए कार्यकर्ताओं को आप तराश रहे हैं, नवाज रहे हैं, तो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता ही है क्या? जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो अब इनकी क्यों सुनेगा? जाहिर है, चुनाव से पहले बीजेपी ने मंत्रियों को ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या यूं कहें कि मंत्रियों को इशारों में ये समझा दिया गया है कि संभल जाओ, वरना इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रही है। अब पार्टी की तरफ से मिली हिदायत का असर कितना मंत्रियों पर दिखेगा, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इलेक्शन टुडे के बाद बात अब हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन की बड़नगर विधानसभा। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती है, तो इस बार मुकाबला और भी जबरदस्त होने वाला है। उज्जैन की 7 विधानसभाओं में से एक बड़नगर विधानसभा अपने बिरले समीकरणों के लिए जानी जाती है। ग्रामीण परिवेश वाली इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस को जनता ने भरपूर मौका दिया है। बीते 7 चुनावों की बात करें तो 4 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। 2018 चुनाव की बात करें तो लगातार 3 हार के बाद कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी और मुरली मोरवाल बड़नगर के विधायक बने। अब 2023 में कांग्रेस जीतने के लिए दम भर रही है, लेकिन मुरली मोरवाल की राह आसान नजर नहीं आती, क्योंकि उनके बेटे करण मोरवाल का मामला उनके राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राओं का विरोध हो रहा है, आप उसी बात से समझ लीजिए कि बड़नगर में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना करना ही है।
भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ज्यादा फैली हुई है। आपने देखा होगा पिछली बार 2018 में भी 3 दिन तक पड़नगर विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बाहर आकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में मुरली मोरवाल जी अगर रिपीट चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत कठिन डगर साबित होंगे। बात बीजेपी की करें तो 2003 से बीजेपी लगातार 15 सालों तक सीट पर काबिज रही। बार बार सीट पर समीकरण बदले तो पार्टी ने प्रत्याशी भी बदले। अब 2023 में बीजेपी जीत के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और विकास की बात करते हुए कांग्रेस पर भी हमलावर है। कांग्रेस की अस्वीकार्यता जनता के बीच में निरंतर बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार का आचार व्यवहार कांग्रेस का हो रहा है, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है आज की तारीख में। न नेतृत्व है, न नीति है, न उनकी क्षमता है। किसी प्रकार से जनता के बीच में कुल मिला के जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है और कांग्रेस के जो अंतर कला जो है, जो फूट है, वो आपके और हमारे सबके सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस कहीं भी किसी प्रकार से कोई चुनौती नहीं है। दोनों पार्टियों को कई मौके देने के बावजूद विकास फिर भी नदारद नजर आता है। क्षेत्र की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर मुखर है तो कुछ केंद्र और बीजेपी की सरकार से खुश है। तेवीस की टकरार किसकी सरकार का आज हम जायजा लेने आए हैं बड़नगर विधानसभा का। बड़नगर विधानसभा में लगातार यहाँ उलटफेर होता रहता है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी यहाँ हावी रहती है। और मौजूदा की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल यहाँ से विधायक हैं। भैया, आने वाला साल चुनावी है, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है बड़नगर में आपके? बड़नगर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ के नेता लोग वोट लेते हैं हर चुनाव में, झूठे वादे करते हैं, लेकिन शासकीय सुविधा यहाँ पर जनता को नहीं मिलती। चाहे वो निर्माण कार्य की बात हो, निर्माण कार्य यहाँ पर ठप पड़े वर्षों से विधानसभा के अंदर, और चाहे वो चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर मामले में यहाँ पर विकास में बड़नगर बहुत पिछड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगे, कितना कार्य हुआ है बड़नगर विधानसभा? माननीय शिवराज जी चौहान के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में, नगर में बहुत विकास हुआ है। जन कल्याण जो गरीब योजना है, हर शासन की योजना हर गरीब तबके तक पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय उज्ज्वला योजना, हर गरीब तबके शासन की योजना हर तबके तक पहुंची है। बीजेपी सरकार ने सब कुछ दिया है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब से मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे कि हमारे सामने आप ले रहे हैं, तो समस्या एक बंडर में एक ट्रैफिक की बनी है जो लगातार चलती आ रही है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के ठेले हटा दिए जाते हैं और उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। एक अच्छी सरकार को बिठाए जो सबके हितों के लिए काम करे। मुरली विधायक यहाँ के विधायक है, कितना काम किया है उन्होंने? साहब, काम तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। यहाँ की जितनी भी योजना है, मुख्यमंत्री की जितनी भी योजना है, वो निर्विवाद तरीके से संपन्न हो रही है। और मध्य प्रदेश की सरकार जो है, शिवराज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगामी जो भी है वो बहुत अच्छा है। भैया, क्या लग रहा है 23 का चुनाव आने वाला है, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, दोनों खिचड़ी हो सकती है क्योंकि काम दोनों सरकारों ने सही नहीं किया है। बिल्कुल, इसका कहना है कि किसी भी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी का जो माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल है, उन कुछ लोगों का कहना है काम तो बीजेपी सरकार ने किया है, विधायक ने कुछ भी नहीं किया है। कुल मिलाकर बड़नगर में 23 की तकरार जबरदस्त होगी। दोनों पार्टियों के पास बदलते समीकरण की चुनौती होगी तो प्रत्याशी का चयन भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, बड़नगर। और बड़नगर के सियासी समीकरण जानने के बाद अब जान लेते हैं यहाँ का सियासी इतिहास क्या है। उज्जैन जिले की ग्रामीण परिवेश वाली सीट है बड़नगर विधानसभा सीट। इसके साथ ही करीब 2,00,000 मतदाता वाली ये विधानसभा सीट है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका यहाँ मिला है और 1990 से अब तक 4 बार बीजेपी ने बड़नगर सीट पर जीत हासिल की है। इस सीट से 3 बार कांग्रेस को भी मौका मिला है और मौजूदा समय की बात करें, कांग्रेस के मुरली मोरवाल मौजूदा विधायक हैं। अब बारी है बोले तो नेताजी की। आज मुलाकात करिए कांग्रेस नेता जगत बहादुर अन्नू से। जबलपुर में कांग्रेस लंबे अरसे बाद अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाई थी और अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं महापौर जगत बहादुर अन्नू की 2023 की क्या तैयारी है।
हमारे साथ है जबलपुर नगर निगम के महापौर जो कांग्रेस से आते हैं और जबलपुर नगर निगम के महापौर है। सब चुनाव है मध्य प्रदेश में, विधानसभा चुनाव है, 2023 का चुनाव है। अमूमन देखा जा रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं इलेक्शन मोड पे पहुंच गई है, किस तरह से देखते हैं आप 2023 के इलेक्शन को? सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हम लोग जितनी भी कथनी और करनी का अंतर भारतीय जनता पार्टी का है उसको सामने ला रहे हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जरूरतें क्या हैं विधानसभा की कि ये जरूरतों को पूरा करना चाहिए, जैसे रोड हो गया, नाली हो गई, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनमें तो जो हम लोग विकास कार्य कर सकते हैं वो लगातार चालू है। बाकी का जो क्षेत्र है वो अविकसित है, पीछे है। इनमें भी जो नए वार्ड है हमारे जिनमें ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा था, लगभग 55 गांव जुड़े थे नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी, उनके हालात बहुत खराब है। पिछले 8 वर्षों से इन्होंने परिसीमन किया, परिसीमन के बाद उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। आज वो अविकसित है, परेशान है लोग, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे रोड सड़क नालियाँ नहीं है, और लोग टैक्स जो लग रहा है वो शहर के जो विकसित क्षेत्रों का टैक्स है वही टैक्स वहाँ भी लगता है, उसी प्रपोर्शन पे उनको टैक्स देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी परेशानी है। 2023 का इलेक्शन है और स्वाभाविक सी बात है तो हिंदुत्व भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहेगा। देखिए, जो मुद्दे क्रिएट किए जाते हैं जो एक्चुअल में मुद्दे नहीं होते हैं, क्षणिक आप उन बातों को लेकर लाभ उठाने का प्रयास करते हो, आप कर सकते हो, परंतु एक समय के अंतराल के बाद लोग उन बातों को समझते हैं कि आप ये बातें क्यों कर रहे हो। आप धार्मिक उन्माद फैलाकर अगर वोट लेना चाहते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। हर व्यक्ति एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हम किस धर्म के साथ, किस जाति के साथ, किन लोगों के साथ बैठे हैं। वो ये चाहता है कि शिक्षा कितनी है, लोग शिक्षित कितने हैं, इलाज किस तरीके से हो रहा है, अस्पताल की उपलब्धता क्या है, महंगाई की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सुखद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि नहीं है। आज मुद्दे बदल चुके हैं। एक तरफ मोदी हैं तो दूसरे तरफ राहुल गांधी है, कि व्यक्तित्व में आप कितना फर्क देखते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व इसमें इनमें देखते हैं आप? बड़ा सिंपल सा तरीका है दूध का दूध और पानी का पानी करने का। एक बैठक आम पब्लिक पूरे देशवासियों के सामने राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की होना चाहिए और दोनों की डिबेट होना चाहिए बिना किसी मुद्दे को दिए हुए, देश को लेकर, देश के इतिहास को लेकर, देश में किए गए कामों को लेकर और इस देश के भविष्य को लेकर। दोनों को 2 घंटे के लिए पूरे देशवासियों के सामने बिठाइए और कहिए दोनों डिबेट करें। तो ये है जगत बहादुर अन्नू, जबलपुर महापौर है, कांग्रेस से आते हैं, साथ में 2023 के इलेक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि 2018 का इतिहास जो है कांग्रेस फिर एक बार दोहराएगी और जो 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। हमने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र रेहटी में चुनावी जायका लिया और जाना कि प्रदेश के मुखिया और अपने विधायक से जनता कितनी खुश है। आज जायका लेने आए हैं होटल पे, चुनावी जायका, चुनाव की जायका के बारे में जानकारी लेंगे, हम बात करेंगे आज इन लोगों से। कैसे देखते हो इस बार का चुनाव? चुनाव 4-5 महीने बचे हो, क्या क्या विकास हुआ, आपके विधायक कैसे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा विकास हुआ है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है रेहटी क्षेत्र में, बुद्धि विधानसभा में, और वापस उम्मीद है वो तो शिवराज सिंह जी आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। युवाओं के लिए भी अच्छा कुछ काम करा, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करा है। जो अभी उनके सुपुत्र हैं कार्तिक भैया जी, उन्होंने भी अभी जो टूर्नामेंट करवाया था अभी, उसमें भी बहुत सारे युवाओं ने भाग लिया पूरे बुद्धि विधानसभा में। शिवराज जी का जो काम रहा है वो काफी अच्छा है और शिवराज जी की लहर जो पहले जो थी उसमें कोई ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा विकास किया है सरकार ने। चुनाव आने वाला है, कैसा क्या रहा है इस बार 5 वर्षीय? वैसे तो वो 18 साल से मुख्यमंत्री है, अब ये कार्यकाल भी कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा विकास हुआ, हम तो खुश हैं और आगे भी चाहेंगे कि वही आए। पटेल जी आप बताइए, संचित में कैसा क्या विकास रहा है? मध्य प्रदेश के कोने कोने में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही हुआ है और आज सातों समाज के गरीब, ऐसा कोई घर नहीं जहां शिवराज जी की योजनाओं का लाभ ना पहुंचा हो, हर घर लाभ पहुंचा है। देखा हमने यहां मन टटोरा लोगों का, चुनाव के बारे में चुनावी जायका लिया है लोगों का। बंसल न्यूज़ से मुकेश मेहता की रिपोर्ट।
चुनाव 23 का हो या फिर इससे पहले के हो, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ चर्चाएं जरूर होती हैं। एक ऐसी ही सीट है बुधनी विधानसभा। ये विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इसके चर्चा एक मिथक को लेकर है जो 40 साल से बरकरार है। तो हमारे खास सेगमेंट कल, आज और कल में हम बात करेंगे इसी मिथक की। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार? जवाब है, जिसकी बुधनी उसकी सरकार। जी हां, बुधनी विधानसभा प्रदेश की सबसे चर्चित सीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। नर्मदा के किनारे लगी इस सीट की अलग ही पहचान है। लकड़ी के खिलौने के लिए शहर पूरे देश में मशहूर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा चर्चा इसके मिथक की होती है। इस सीट से एक मिथक जुड़ा हुआ है कि यहां से जो भी पार्टी जीतती है प्रदेश में सरकार भी वही बनाती है। 38 साल का लंबा अरसा बीत गया और यह मिथक आज भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव 1980, कांग्रेस के केएन प्रधान बुधनी से चुनाव जीते। कांग्रेस की सरकार बनी, अर्जुन सिंह सीएम बने। विधानसभा चुनाव 1985, कांग्रेस के चौहान सिंह बुधनी से जीते। अर्जुन सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1990, बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। सुंदरलाल पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव 1993, कांग्रेस के राजकुमार पटेल विधायक बने। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 1998, कांग्रेस के देव कुमार पटेल ने जीत दर्ज की। दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार सीएम बने। विधानसभा चुनाव 2003, बीजेपी के राजेंद्र सिंह राजपूत विधायक बने। उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव 2008 और 13, लगातार दो बार शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी। आंकड़े बताते हैं कि जिसकी बुधनी सरकार भी उसी की, और इन आंकड़ों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये माना भी जाने लगा है। 1980 में शुरू हुआ ये मिथक 2013 तक जारी रहा। 2018 में जरूर ये मिथक टूटा, शिवराज सिंह चौहान यहां से विधायक बने, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई। लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। करीब 15 महीने ही बीते थे कि ऐसा अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। यानी जिसकी बुधनी उसकी सरकार का मिथक टूटने के बाद भी बच गया। यही वजह है कि जब चुनाव होते हैं तो बुधनी विधानसभा की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। मिथक तो मिथक है, जिसे आप झुठला भी सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों को झुठलाना मुश्किल है। यही वजह है कि पार्टियां यहां जोर लगा देती हैं और शिवराज सिंह चौहान भी यहां अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हैं, क्योंकि शायद वो भी मानते हैं कि जिसकी बुधनी उसकी ही सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब जन का मन भी टटोल लेते हैं। हमने सिलवानी की जनता से जाना कि उनके मन में क्या है और आने वाले चुनाव को क्षेत्र की जनता कैसे देखती है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, नई नई योजनाएं लेके आ रही है, जैसे किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि हर किसान को दी जा रही है, जिससे किसान का कहीं ना कहीं मूल्य भी अच्छा मिल रहा है फसल का। वर्तमान में धान के मूल्य भी अच्छे हैं, तुअर का मूल्य भी अच्छा आ रहा है और समय पर खाद यूरिया DAP भी मिल जाता है और बाकी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार को हम वोट करेंगे, शिवराज सिंह चौहान भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रदेश की भाजपा सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि भाजपा सरकार के आने के बाद चारों तरफ पूर्णतः विकास हुआ है और खासकर हेल्थ सेक्टर में जो सिलवानी में जो सिविल हॉस्पिटल का जो सौगात मिली है वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और चारों तरफ सड़कों का निर्माण हो रहा है और नई नई योजनाएं आ रही हैं और इससे चारों तरफ पूरी तरह विकास हो रहा है और मैं चाहूंगा कि फिर से भाजपा सरकार आए।
भाजपा सरकार के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग चारों तरफ विकास की धारा प्रवाह हो रही है और हम सब संतुष्ट हैं और अगली बार भी यही चाहेंगे कि भारतवर्ष में केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा स्थापित हो। क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है और क्षेत्र में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया है। संबल योजना है, लाड़ी लक्ष्मी योजना है और आपका उज्ज्वला योजना है, ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार जो हमारी केंद्र में बैठी हुई है और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने किया है। और मैं इस सरकार के कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगली बार भी भाजपा का कार्यकाल आए। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।